छिंदवाड़ा के बीजेपी सांसद बंटी साहू आज लॉयंस नेत्र चिकित्सालय पहुंचे, जहां उन्होंने अस्पताल की स्वास्थ्य सुविधाओं का निरीक्षण किया। वहीं अस्पताल प्रबंधन ने सांसद का स्वागत किया। वहीं सांसद बंटी साहू का कहना है कि जिले में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाना उनकी प्राथमिकता है। देखिए यह रिपोर्ट। छिंदवाड़ा सांसद और बीजेपी नेता बंटी साहू आज जिले के लॉयंस नेत्र चिकित्सालय पहुंचे, जहां उन्होंने तमाम स्वास्थ्य सुविधाओं का निरीक्षण किया। वहीं अस्पताल पहुंचे सांसद का स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा स्वागत किया गया। वहीं सांसद बंटी साहू का कहना है कि जिले में दूर दराज के क्षेत्रों में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना उनकी प्राथमिकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कल जन्मदिन था। मोदी जी के जन्मदिन से लेकर के हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती 25 दिसंबर तक क्या शिविर लगाने का हम लोगों ने प्लान किया था, और लगभग पूरे दिनों में 100 दिन होते हैं और 100 से स्वास्थ्य शिविर हम लोग लगा रहे हैं। 25 दिसंबर को दिन अटल जी के जन्मदिन, तो पिछले कई वर्षों से हम लोग शिविर लगा रहे हैं, लेकिन छिंदवाड़े की जनता ने आशीर्वाद दिया अपने बेटे के रूप में, भाई के रूप में। तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के बीच में जाकर के उनको स्वास्थ्य की सुविधाएं दिलवाऊँ। तो इस मंशा से आज हमारा 100 दिन का स्वास्थ्य शिविर कल से प्रारंभ हो गया। आज चोड़ई के टाप में था, कल आपके परासिया विधानसभा के ही उमरेड में है, तो यह लगातार 100 दिन यह शिविर चलता रहेगा। तो राजधानी जी हम लोग बैठे थे, राजधानी जी कहा कि आप हॉस्पिटल आइए, तो देर जो करना आ रही है कहा था, और आज भी कहता हूँ कि मेरी प्राथमिकता में शिक्षा और स्वास्थ्य है। हमारे ग्रामीण क्षेत्रों के चाहे आदिवासी परिवार के बच्चे हों या अन्य कोई भी हों, उनको अधिकार है अच्छी शिक्षा मिले, और दूर दराज के गांवों के लोगों को भी अधिकार है कि उनको स्वास्थ्य की सुविधाएं अच्छी मिले। हमारी सरकार मोदी जी के नेतृत्व में, डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में, दोनों क्षेत्रों में बहुत अच्छा काम कर रही है। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर छिंदवाड़ा में 100 दिवसीय स्वास्थ्य शिविर आयोजित किया जा रहा है, जो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती तक जारी रहेगा। शिविर में मरीजों का निशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण किया जा रहा है। इसी बीच सांसद द्वारा अस्पतालों का निरीक्षण करते हुए स्वास्थ्य सुविधाओं को जांचा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, छिंदवाड़ा।